हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी ड्राइंग फ्रेंड निकिता। आज मैं बना रही हूं लॉयन किंग से इंस्पायर्ड ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है प्रूशियन ब्लू कलर और इसको मैं एक रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ करके और अंदर फिल इन कर दूंगी। अब मैं ले रही हूँ एंटवर्प ब्लू कलर। इससे बहुत ही प्यारा शेड आएगा जब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो इसको भी मैं रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ करती हूँ और फिल इन कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ लाइट ब्लू शेड और इसको भी वैसे ही रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ करके फिल इन करें। ये है कोबाल्ट ब्लू ह्यू कलर और इस कलर को थोड़ा ध्यान से जहाँ भी पेंसिल हमारी ड्रॉन है ऑलरेडी, जहाँ पे लाइन का फिगर है और जहाँ पे बाकी फिगर्स हैं, उसको बचा के ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉ करना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको वैसे भी उसको ब्लैक मार्किंग पेंसिल से ड्रॉ करना ही है। ले रही हूँ मैं एक टिश्यू पेपर और इसको मैं एक ट्राइंगुलर शेप में फोल्ड कर दे रही हूँ। आप जितना छोटा हो पाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी एज शार्प होगी। सबसे पहले हम लाइटेस्ट कलर से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे ब्लेंड करने के लिए, ताकि ब्लेंड अच्छे से। अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ करे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों की लिंक उसमें डाल रखी है। अब मैंने ब्लैक मार्किंग ग्लास पेंसिल ली है और इससे मैं आउटलाइन बना रही हूँ लाइन की। उसके बाद हम इसको फिलिंग करेंगे।
आपने देखा होगा कि पेंसिल से ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है जब अपन फिल्म करते हैं, तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका लिया और जो ऑयल पेस्टल का ब्लैक कलर है उससे पूरा ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, उसके बाद इसको ब्लेंड करने के टिश्यू पेपर यूज़ कर लूँगी और जो भी वाइट स्पेसेस बचेंगे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और फिर जो थोड़ा बहुत भी बच जाता है उसके बावजूद उसको मैं ब्लैक मार्किंग पेंसिल से फिर से ड्रॉ कर लूँगी। ये जो नीचे की सरफेस है इसको मैं ब्लैक से ही ड्रॉ कर रही हूँ और फिर टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर। अब मैं एक वाइट कलर का ऑयल पेस्ट ले रही हूँ और इससे मैं क्लाउड्स बना दूँगी। क्लाउड्स बनाने के लिए क्लाउड का शेप बनाएं और उसको फिल इन कीजिए। ध्यान रखिएगा कि क्लाउड्स बनाते समय आपको इसको हैंड से ब्लेंड करना पड़ेगा, तो वो एक बार में नहीं आएगा। इसके लिए हमको इसको एक बार और इसके ऊपर इम्प्रेशन डालना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कैसे मैंने उसको सेकेंड टाइम किया।